हाय गाइस, अगर आपके पास वीवो की डिवाइस है और उसमें अगर आपका पासवर्ड या पिन लॉक अगर आप लगा के भूल गए गाइस, तो ये वीडियो उसी के ऊपर होने वाला है। आपके पास अगर वीवो की डिवाइस है और उसमें पिन या पासवर्ड लगा के या पैटर्न जो भी है आप अगर लगा के भूल जाते हैं गाइस, तो कैसे उसे घर बैठे आप अपना वीवो मोबाइल को अनलॉक कर सकते हैं, ये उसी के ऊपर वीडियो होने वाली है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। जैसे आप पिन पैटर्न लगा के भूल जाते हैं तो कितना भी आप कोशिश कीजिए खोलने का, तो जो है ऐसे नहीं खुलता गाइस, ठीक है। वीवो की डिवाइस है अगर आपके पास, ये वीवो की डिवाइस है, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे इस फ़ोन में शायद पिन या पासवर्ड लगा हुआ है। देखिए मैं जितना भी इसको डालूँगा, देखिए ज़्यादा मैं गलत रॉन्ग अगर पैटर्न डालता हूँ या गलत पिन अगर डालता हूँ या गलत पासवर्ड डालता हूँ गाइस, तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को यहाँ मिल जाता है, दिस डिवाइस इज लॉकेड, और सेकेंड चलना गाइस इसमें शुरू हो जाता है, ठीक है। देखिए जितना बार इसको आप इंटर बटन दबाइएगा, इसका जो थंब है शायद वो चेंज होता रहता है, इस वीवो मॉडल में अक्सर रहता है गाइस, ओके। तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए फिर भी अभी भी यहाँ से सेकंड चल रहा है। आप चाहे तो इमरजेंसी में भी चेक कर लीजिएगा, बहुत लोग आपको यहाँ से भी करके दिखाएगा, मेडिकल आईडी वगैरह यहाँ से बहुत लोग आपको बताएगा कि मेडिकल आईडी में जाइए, ये जाइए, वो जाइए। तो गाइस यहाँ से कुछ खास होने वाला हो कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ से दबाइएगा, जैसे ही जैसे पेंसिल वाला आइकन में दबाइएगा, वो घुमा फिरा आपको फिर वहीं पर पैसवर्ड या पैटर्न या पासवर्ड आपको वहीं पर ले जाएगा गाइस, ओके। तो यहाँ से कुछ खास मेथड आपका नहीं होने वाला है। एक चीज़ बहुत लोग यहाँ भी करके देखते हैं, तो गाइज़ मैं भी आपको दिखाता हूँ यहाँ से कि शायद यहाँ से कुछ देखने को मिल जाए। जैसे यहाँ पे देखिए किताब का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, इसके ऊपर दाबिएगा इस, ठीक है। उसके ऊपर जैसे दाबिएगा, थ्री डॉट आपको देखने को मिलेंगे, ओके। थ्री डॉट आपको जैसे दिखेंगे आप उसके ऊपर क्लिक करिए, एक सेकंड गाइज, जैसे थ्री डॉट गाइज आपको आएगा ऐसा कुछ इंटरफेस आपको दिखेगा, जैसे उस थ्री डॉट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपको माई प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा, शेयर का ऑप्शन आएगा, थंब डाउन का ऑप्शन आएगा, उसके बाद सेटिंग का ऑप्शन आएगा, अपडेट ऑल पेपर का, इस यहाँ पे कुछ भी देखिएगा। जैसे आप सेटिंग पे क्लिक करिएगा, देखिएगा फिर से पिन ही आपको मांगा जा रहा है। एक ऑप्शन और मैं उसी में आपको दिखाता हूँ, जैसे फिर थ्री डॉट पर आप जाते हैं, वीडियो में आप आए हैं तो गाइस बने रहिएगा वीडियो में, हम बिल्कुल अनलॉक करके आपको दिखाएंगे यहाँ पर। पता नहीं गाइस यहाँ पर कभी कभी थ्री डॉट पर ये काम नहीं करता, ठीक है ना। ये देखिए मैं कितना बार क्लिक कर रहा हूँ, देखिए जैसे थ्री डॉट पर आप क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे शेयर का भी ऑप्शन है, थंब डाउन का भी है, तो मैं शेयर पे ही क्लिक कर देता हूँ, तब भी गाइस पिन या पैटर्न पासवर्ड ही मांगा जा रहा है। मतलब आपसे यहाँ से कुछ भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, चाहे आप इमरजेंसी पे जाइए चाहे कुछ भी, यहाँ से कुछ भी नहीं होगा, आपको इसको जो है रिसेट ही करना पड़ेगा। और रिसेट करने से पहले आप एक चीज़ समझ जाइएगा, यहाँ से आप कोई भी कोड वोड डालिए तब भी कुछ भी नहीं होने वाला। बहुत लोग बताएगा कोड डाल के देखिए, ये डाल के देखिए, तो यहाँ पर EMI नंबर वगैरह भी कुछ भी नहीं दिखेगा। *899 भी आप डाल के देखिए, *899 भी डाल के देखिए, शायद कुछ आता है, तो गाइस ये भी कुछ भी नहीं आएगा इसमें। तो आप इन सब में नहीं जाना है आपको, आपको लास्ट में इसको रिसेट ही मारना होगा। रिसेट मारने से पहले चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आपका मोबाइल में जितना सारा डेटा वगैरह है, मेमोरी में कुछ भी है गाइस, वो सारे चीज़ यहाँ से डिलीट होने वाले हैं, फोटो हो, नंबर हो, फिर जीमेल वगैरह जो है, सारे चीज़ आपका यहाँ से मैंने जितने भी सिस्टम है वो डिलीट हो जाएगा। बट जीमेल के अंदर का जो आइटम है, मतलब जो आपका गूगल ड्राइव का सामान है, वो डिलीट नहीं होगा गाइस, तो उसके लिए नो टेंशन रहिएगा। जी मेल का याद पासवर्ड याद होना चाहिए, आप सारा चीज़ वो रिकवर कर लीजिएगा। बाकी फ़ोन में जितने भी कुछ है वो गाइस डिलीट होने वाले हैं आपके फ़ोन में, ठीक है। देखिए यहाँ से मैं चाहे कोई सा भी पिन डालता हूँ तो ये यहाँ से अनलॉक आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तब हम लोग चलिए शुरू कर देते, ये कोई भी ट्रिक इसमें काम नहीं करेगा। अब मोबाइल को यहाँ पर पावर स्विच ऑफ करना होगा पूरी तरीके से, आपको देखिए तो प्रॉपर पूरा पावर ऑफ करने के लिए आपको ये जो बटन है इसको लॉन्ग प्रेस करके रखना होगा आपको, ठीक है। जैसे लॉन्ग प्रेस करके रखिएगा, तीन ऑप्शन आएगा, रिसेट मोड, इमरजेंसी मोड, पावर मोड, पावर ऑफ मोड। तो हमें पावर मोड पे, पावर ऑफ मोड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही पावर ऑफ मोड पे आप क्लिक करेंगे गाइस, आपको यहाँ पे दो बटन देखने को मिलेगा, ठीक है। तीन बटन है, आपको दो बटन का ही प्रयोग करना है वीवो के लिए। देखिए पावर की, देन वॉल्यूम ऑफ गाइस, देखिएगा इस पर एक सुंदर सा कवर लगा हुआ है। ये गाइस मेरे पास गाइस वीवो का जो है, वीवो शायद 11 है या 12 होगा, वीवो का मॉडल है मेरे पास। मैं इन दोनों को एक साथ प्रेस करता हूँ गाइस, देखिए बहुत खूबसूरत फ़ोन होता है ये, वीवो 11, 12, 15, 17। जैसे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, दोनों को हमें क्लिक करना है, उसको छोड़ देना, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ, देन पावर की, उसको थोड़ा सा प्रेस करके रखिएगा, ऐसा ऑप्शन आएगा, छोड़ देना। अब गाइस यहाँ से टच स्क्रीन वर्क नहीं करेगा, आप यहाँ से देख लीजिए वीवो फास्ट बूट आपके पास लिखा हुआ आएगा। जैसे वीवो फास्ट बूट आपके पास लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर रिकवरी मोड पर लाने के लिए वॉल्यूम डाउन का प्रयोग करना है, वॉल्यूम डाउन पर लेके आना है, उसके बाद पावर की का आपको यहाँ से इस्तेमाल करना है, ओके, एस करने के लिए। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे दूसरा इंटरफेस आपको लिए लेके चला जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा वेट आपको करना है यहाँ पे, ठीक है। गाइस ऐसी और हेल्पफुल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो सब मॉडल इसमें अनलॉक होगा मैं आपको यहाँ थंबनेल पे बता दूंगा, वीडियो इसकी मत करिएगा आप लोग, आपका फोन अनलॉक हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको दो तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप यहाँ ध्यान से चेक सिस्टम पर क्लिक कर दीजिएगा, ओके।
देखिए यहाँ पे आपको आ गया वीवो रिकवरी, आपको चेक सिस्टम पे क्लिक कर देना है, उसका इसको चेकिंग कर लेना देना है पूरी तरीके से। और ध्यान रहे सिम भी निकाल लीजिएगा आप, ताकि आपका सिम से कोई भी डेटा वगैरह डिलीट ना हो जाए गाइस। ओके, इस सब चीज़ पे ध्यान से ध्यान दीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा भी, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज होता है। देखिए यहाँ पर आ गया आपका इंटेलिजेंसी ऑफ सिस्टम फाइल्स चेक, ये चेक कर चुका है आपके सिस्टम को, यहाँ से आपको ओके कर देना है। जैसे आप यहाँ से ओके कर दीजिए उसके बाद क्लियर ऑल डेटा पे आप आइए। यहाँ देखिए रिकवरी वाले ऑप्शन में क्लियर ऑल डेटा भी, इंस्टॉल सॉफ्टवेयर वगैरह में नहीं जाना, पहले आपको चेक सिस्टम कर देना, उसके बाद यहाँ पे क्लियर ऑल डेटा पे क्लिक करना है, उसके बाद क्लियर कैच पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। जैसे हो जाएगा क्लियर बोल देगा, कैच क्लियर हो गया आपका, चेक क्लियर जो भी है। अब आपको नीचे में क्लियर ऑल डेटा पे आना होगा गाइस, देखिए यहाँ पे क्लियर ऑल डेटा पे आपको आना, उसके बाद ओके में दबा देना है। आपको कोई भी यहाँ पे चीज़ नहीं मांगा जाएगा। आप वीडियो अगर पूरा देखे होंगे तो आपका यहाँ से अनलॉक हो जाएगा। ओके, वीवो को 11 मेरे पास ही है, वीवो का 11 मॉडल है। आपके पास जो भी मॉडल है गाइस उसमें आप कमेंट करके बता सकते हैं, होगा तब भी बोलिएगा गाइस, नहीं होता है तब भी बताइएगा, मैं दूसरा आप लोगों को ट्रिक और बताऊंगा। ठीक है, जैसे वहाँ से क्लियर ऑल डेटा हो जाए, अब आपको यहाँ से रिसेट मोड पर क्लिक कर देना। ओके गाइस, देखिए यहाँ पर आपका रिबूट मोड में गाइस हम लोगों ने यहाँ से क्लिक कर दिया। तो ऐसी हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं पूरा आपको यहाँ से अनलॉक करके दिखा दूंगा। यहाँ से अब ये रिसेट मोड में चला गया, जैसे ऑन होगा गाइस थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं थोड़ा आप लोगों के लिए वीडियो यहाँ से स्किप कर दूंगा ताकि फास्ट आप लोगों को मैं समझा सकूँ। ओके गाइस, आप लोग वीडियो छोड़ के नहीं जाइएगा, अगर आप लोग इतना दूर तक देखें तो थोड़ा सा और देख लीजिएगा गाइस, आप लोग का यहाँ से प्रॉपर आप लोग यहाँ अनलॉक कर लीजिएगा। ओके गाइस, थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्किप कर देता हूँ। तो फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, मेरा फ़ोन यहाँ पे जो है पूरी तरीके से, मतलब ये आपका यहाँ से हार्ड रिसेट होकर यहाँ पे ओपन मोड में आ गया। ठीक है, अब आपको सेटअप कर लेना, जैसे कोई से भी नॉर्मल फ़ोन आप सेटअप करते हैं वैसे सेटअप कर लिया कीजिएगा। सेटअप योर फ़ोन पे क्लिक कर देना है हमको फाइनली यहाँ से। ओके, उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश पे या बंगाली या भोजपुरी हिंदी गुजराती जो भी आवेज है उसमें आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, मैं इंग्लिश में है तो इंग्लिश पे क्लिक कर देता हूँ। तो गाइज मैं इंडिया से हूँ तो आई लव यू इंडिया गाइज, मैं इंडिया पे क्लिक कर देता हूँ। आप जिस भी कंट्री है उस पर क्लिक कर दीजिएगा, एग्री पे क्लिक कर दीजिएगा। अब आपको गाइज यहाँ से एड नेटवर्क करने के लिए बोल रहेगा तो आप एड वाइड कुछ मत करिएगा, सिम वगैरह भी कुछ मत लगाइए। ठीक है, यहाँ पे कोना में स्किप का ऑप्शन होगा, आप स्किप कर लीजिएगा, ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ पे आपको स्किप पे क्लिक कर देना है। देखिएगा स्किप पे जैसे मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे लोड ले लिया, थोड़ा स्क्रॉल अप करना है, उसके बाद एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे एक्सेप्ट पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। बहुत आसान है गाइज ये आपको सेटअप करना, कोई से भी नॉर्मल फोन जैसे सेटअप करते वैसे सेटअप कर लीजिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे स्किप पे क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पे आपको चाहे तो आप लॉक वॉक लगा लीजिएगा, तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए भी लॉक वगैरह कुछ लगाने वाला नहीं, आप लगा लीजिए अगर आपको लगाना हो तो। ठीक है, उसके बाद फिर से आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर से गाइज आपको यहाँ पे स्किप पे क्लिक करना है। देखिए गाइज यहाँ पे फिर से आपको स्किप कर देना है। अब देखिए गाइज आपका कॉन्ग्रेचुलेसन लिख के आ गया, योर फोन हैज बीन सेट अप। ठीक है, यूज नाउ, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे गाइज ये फोन पूरी तरीके से आपका यहाँ से अनलॉक हो गया गाइज। तो मेरे पास वीवो का वही 11 मॉडल है, आपके पास कौन सा मॉडल है होगा तब भी कमेंट कीजिएगा, नहीं होगा गाइज तो आप लोग कमेंट करके कौन सा मॉडल में आपका प्रॉब्लम आ रहा है आप कमेंट जरूर कीजिएगा गाइज। और जिसने वीडियो पूरा देखता है गाइज, जो भी बंदा पूरा देखता है उसका गाइज यहाँ से अनलॉक हो जाता है, जो पूरा नहीं देखता गाइज उसका अनलॉक नहीं होता है, फिर बाद में वो कमेंट करता है कि मेरा नहीं हो रहा, ये हो रहा है। और टेक केयर, बाय बाय गाइज, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं कोई यार इससे और अगली कोई वीडियो में गाइज, बाय।